ପାଣିପାଗ ଖବରକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା। ବୁଧବାର ରାଜଧାନୀ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଲାଗିଛି। ଆଜି ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଟକରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ, ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉପକୂଳରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଭଳି ଆସନ୍ତାକାଲି କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ନୟାଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ଏଥର ଦୀପାବଳି ମଧ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହେଲେ ଦୀପାବଳି ବେଳକୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛି। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷା କମିଯିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ଲାଇନ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଚ୍ଆର୍ ବିଶ୍ୱାସ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିଛି ଅପଡେଟ୍? एक कोयल बैक लो प्रेशर एरिया है, अभी वेस्ट सेंट्रल एडजॉइनिंग आंध्र प्रदेश कोस्ट का पास ही है, तो इसका प्रभाव में अगला 24 आवर्स में उड़ीसा में मोस्ट प्लेसेस में ही लाइट टू मॉडरेट बारिश होगा सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। उसका साथ हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी है। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल वार्निंग जो है उसमें कोरापुट, गजपति, गंजाम, पुरी और हेवी रेनफॉल मालकानगिरी, रायगढ़, कंधमाल, खुर्दा, जगत सिंहपुर, नयागढ़, कालाहांडी, सुंदरगढ़, कटक, केंद्रपड़ा, भद्रक, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में हेवी रेनफॉल नेक्स्ट 24 आवर्स में होने का चांसेस है। 24 आवर्स का बाद भी रेनफॉल रहेगा, उस समय मेनली इंटीरियर विषय में ज़्यादा रहेगा, बट सभी डिस्ट्रिक्ट में मोस्ट प्लेसेस में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होगा। और हेवी रेनफॉल होने का जो चांसेस है वो है सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, केवंझर, बरगढ़, वेरी इसमें हैवी टू वेरी हैवी। और हैवी रेनफॉल का और भी डिस्ट्रिक्ट्स में है, इसमें मयूरभंज, सोनपुर, कोरापुट, नवरंगपुर, बोलांगीर, कालाहांडी, बौद्ध, अंगुल, कंधमाल, और 48 आवर्स का बाद मीन्स आज और कल का बाद 25th को में भी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल मेनी प्लेसेस में रहेगा, बट उस समय रेनफॉल इंटेंसिटी भी कम हो जाएगा, थोड़ा ये भी इंटीरियर में एरिया में भी कम हो जाएगा एरियल कवरेज में, बट मयूरभंज, केवंझर, बालासोर, भद्रक में हैवी रेनफॉल का चांसेस है 25th को भी। और 25th का बाद 26th से 27th उस समय आपका जो दियाली आप जो बोल रहे हैं उस समय रेनफॉल एक्टिविटी, हैवी रेनफॉल एक्टिविटी नहीं रहेगा, वही कुछ कुछ जगह में थंडरस्टॉर्म के साथ लाइट रेनफॉल, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रहने का चांस है। सभी जगह में भी रेनफॉल नहीं रहेगा, और इस तरह से जो अभी जो कंडीशन है ये कंडीशन नहीं रहेगा। अगला पिछले दो तीन दिन में जैसे कंडीशन था, कुछ कुछ जगह में रेन थंडरस्टॉर्म हो रहा था, उसी तरह होगा, ठीक है। और भुवनेश्वर में आज अभी ऑलरेडी रेनफॉल हो रहा है, इस तरह से इंटेंस स्पेल, सम ए फ्यू स्पेल्स रेनफॉल होगा, एक दो इंटेंस स्पेल भी होगा।